कोरोना वायरस का कहर देश में अब भी बरकरार है। कोरोना की रफ्तार पहले से जरूर कम हुई है, लेकिन अब भी 2 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़ों ने अभी भी सभी की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केसेस सामने आए हैं और 871 लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 15,677 मामले कम आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी 20 लाख से ज्यादा बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3,35,939 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की कुल संख्या 3,83,60,770 पहुंच गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 5 राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। शनिवार दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर मेडिकल तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इन राज्यों में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 165 करोड़ को पार कर चुका है और देश में 15-17 साल के 60% से अधिक बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज भी लगाया जा चुका है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में शुक्रवार को 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक में 31,000 तो तमिलनाडु में 26,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली, मुंबई जो कि एक समय कोरोना के हॉटस्पॉट हुआ करते थे, इन जगहों पर अब कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है, लेकिन लापरवाही अभी भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए सभी को कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना है और कोरोना को मिलकर हराना है। INS रिपोर्ट।